मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बिहार के विभिन्न जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार की यात्रा का नाम है समाज सुधार यात्रा। अपने 16 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी लगातार यात्राएं करते रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा की थी। उसके बाद 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों के बीच जाकर बताया कि किन किन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है। 17 जून 2009 को धन्यवाद यात्रा के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में जदयू और भाजपा को मिली भारी सफलता के बाद लोगों का धन्यवाद किया था। 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने राज्य के विभिन्न जिलों में प्रवास कर वहां की समस्याओं को जानने के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की थी। सीएम नीतीश कुमार ने 28 अप्रैल 2010 की विश्वास यात्रा विधानसभा चुनाव 2010 से ठीक पहले की थी, जिससे जनता का सुशासन पर विश्वास और भरोसा बरकरार रहे और न्याय के साथ विकास यात्रा अनवरत जारी रहे। 9 नवंबर 2011 को सेवा यात्रा के दौरान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक सेवा अधिकार कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये यात्रा की थी। 19 सितंबर 2012 को अधिकार यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकार यात्रा आरंभ की थी। लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले 5 मार्च 2014 को नीतीश कुमार ने संकल्प यात्रा निकाली थी। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा के दौरान आम लोगों से संपर्क करने के लिए नीतीश कुमार ने यात्रा की थी। 9 नवंबर 2016 को निश्चय यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं, खासकर 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की थी। अपनी सरकार में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नीतीश कुमार ने 12 दिसंबर 2017 को समीक्षा यात्रा की थी। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर वहां के विकास कार्यों की समीक्षा कर जमीनी जायजा लिया था। 3 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था और अब 22 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा करने जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से होगी और पटना में आकर इसका समापन होगा। इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्ति अभियान से जुड़ी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।